सो मैंने यहां पर हेडिंग दिया यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड बातें सबसे पहली बार जब हम एन ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ रहे थे उस वाले वीडियो में आप देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल को हमने जो है बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस हमने यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट किया था प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और वही ओवरव्यू ऑफ सेल वाले हेडिंग में हमने यूकैरियोटिक सेल का पहली बार डिफिनेशन सुना था। What exactly eukaryotic cell is? How eukaryotic cell को हम define करेंगे? U means true and karyon means nucleus. Cell having well organized, developed, advanced type का nucleus kind of cell को हम eukaryotic cell बोलेंगे। Eukaryotic cell represented by member of kingdom protista, member of kingdom fungi, plants or animals. ये किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाई सब क्या है ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो एक ऐसा सेल जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल डेवलप्ड एडवांस न्यूक्लियस है उसको हमने यूकैरियोटिक सेल बोला। यूकैरियोटिक सेल के पास कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंटाइजेशन होता है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इंटरनली। यूकैरियोटिक सेल के पास जो है साइटोस्केलेटन होते हैं जो है सेल के अंदर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन जो है यूकैरियोटिक सेल का जो है शेप मेंटेन करेंगे। यूकैरियोटिक सेल के पास वैक्यूल्स भी होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पास सीलिया फ्लैजिला भी होता है जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये कुछ कैरेक्टर है यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड जो यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन कर रहे हैं जल्दी से मेंशन कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मैंने बोला EU का मतलब हुआ ट्रू एंड कैरियन कैरियन का मतलब हुआ जो है न्यूक्लियस ग्रीक लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज में EU का मतलब ट्रू कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। सो डिफिनेशन क्या बना सेल दैट हैज वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल दैट हैज वेल ऑर्गेनाइज्ड एडवांस वेल डेवलप्ड बेटर टू से ट्रू न्यूक्लियस। और जैसे ही मैंने ट्रू न्यूक्लियस बोला सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए कहना इसे न्यूक्लियस मस्ट बी सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क होना चाहिए। तो यहां पर हम बोल सकते हैं अ सेल दैट पोजेस न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियस को जो है सराउंड करेगा देन न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोप्लाज्म भी होना चाहिए न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस भी होना चाहिए और जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन रेटिकुलम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स होना चाहिए। क्रोमैटिन फाइबर ये जेनेटिक मटीरियल रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर जो है डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल ठीक है। सो यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा याद करिए वहां पर न्यूक्लियस है ही नहीं तो प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कहां पर होता है जल्दी से बताइए डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म याद करिए थोड़ा जो है। तो यहां पर मैं और बोल सकता हूं जो है जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए बेटर टू से क्रोमैटिन डीएनए ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन बेटर टू से क्रोमोजोम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डीएनए को हमने क्रोमोजोम बोला प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस ठीक है। सो न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल।
प्रोकैरियोटिक सेल में डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास चार पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमैटिन। यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस के चारों कंपोनेंट प्रेजेंट है, डीएनए या जेनेटिक मटीरियल या क्रोमैटिन या क्रोमोजोम यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर है। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसके पास कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंटाइज होता है। यूकैरियोटिक सेल इंटरनली छोटे-छोटे चैंबर्स में डिवाइड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोटिक सेल इंटरनली नॉन कंपार्टमेंटाइजेशन शो करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, इसलिए वहां पर कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता है। तो थोड़ा डिफिनेशन या में और आगे बढ़ते हैं, यह मैं इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ाते हैं, डिफिनेशन को आगे ले चलते हैं। मैंने क्या बोला, यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है दैट शोज, यूकैरियोटिक सेल शोज कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंटाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ membrane bound cell organelles। कुछ ऑर्गेनेल्स के नाम अगर मेंशन करना चाहें जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा। तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल के सेल को इंटरनली स्मॉल चैंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। और मैं क्या डिफिनेशन में रख सकता हूं, यूकैरियोटिक सेल इट हैज वेल डेवलप्ड साइटोस्केलेटन। यूकैरियोटिक सेल शोज वेल डेवलप्ड साइटोस्केलेटन लाइक माइक्रोफिलामेंट्स एक्सेट्रा दैट मेंटेन structure of cell help in transport of material internally। ये माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट क्या है, कैसे होते हैं, हम जो है यूकैरियोटिक सेल का जब डिटेल आगे बढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे। आगे जो है यहाँ पर एक और मेंशन कर सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल हैज प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को थोड़ा मेमोराइज करिए, थोड़ा याद करिए। सो प्लांट सेल के पास फ्यू लार्ज वैक्यूल्स होता है और एनिमल सेल के पास मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकते हैं, हैज वेल डेवलप्ड फ्लैजिला, सीलिया एंड जो है नॉट पिलियन फिमरी फ्लैजिलैंड सीलिया सिर्फ फ्लैजिलैंड सीलिया जो जो है लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। जो है जैसे स्पर्म सेल में बड़ा सा विप लाइक फ्लैजिला होता है। पैरामीशियम का सेल ऑब्जर्व करिए तो उस पैरामीशियम सेल के ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ द बॉडी मेनी मोर सीलिया होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो मोटिलिटी या लोकोमोशन में हेल्प करता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या मैं बोलूं, यूकैरियोटिक प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक एनिमल सेल के पास सेल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो थोड़ा और डिफिनेशन यहां पर एक लाइन लिख लेते हैं, डिफिनेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्या बोला यहां पर, यूकैरियोटिक प्लांट सेल
possess rigid cell wall comma centriole and centrosome absent होता है इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल. वेयर एज एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, यूकैरियोटिक एनिमल सेल लैक्स सेल वॉल वेयर एज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल. ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल को हम फाइनली जो है डिफाइन करते हैं. यूकैरियोटिक सेल क्या क्या कैरेक्टर मिलेगा एक सेल के पास, क्या क्या कैरेक्टर मिलेगा एक सेल के पास जिससे यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे. तो यूकैरियोटिक सेल के पास होना चाहिए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, के पास होना चाहिए इंटरनली कंपार्टमेंटाइजेशन, के पास होना चाहिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, के पास होना चाहिए साइटोस्केलेटन, के पास होना चाहिए जो है वैक्यूल्स एंड फ्यू एक्स स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से सेल्स को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल. ऐसे कौन कौन से मेंबर ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं यूकैरियोटिक सेल, तो यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं यूकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय मेंबर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. तो जल्दी से बताइए यूकैरियोटिक सेल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करेंगे. क्या मैं बोलूं एक्सेप्ट मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा ऑल द ऑर्गेनिज्म्स पोजेस यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, एक्सेप्ट किंगडम मोनेरा. मोनेरा के मेंबर क्या कैसे टाइप के सेल रिप्रेजेंट करते हैं. मोनेरा बेसिकली सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बात किया है. सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा दे आर नथिंग बट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सेप्ट मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल. सो यहां पर यूकैरियोटिक सेल का डिफिनेशन कंप्लीट हुआ. ऐसा क्या करेक्टर होना चाहिए, क्लियर है ये डिफिनेशन, क्लियर है. बात आगे बढ़ाया जाए, जल्दी से रिमाइंड करिए माइंड में, हम बात आगे बढ़ाते हैं. सो चलते हैं आगे, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं यूकैरियोटिक सेल में आगे हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं. फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं एक यूकैरियोटिक सेल के पास कितने स्ट्रक्चर हैं, कितने अलग-अलग टर्म्स के थ्रू हम यूकैरियोटिक सेल का डिटेल स्टडी कंप्लीट करने वाले हैं. तो यूकैरियोटिक सेल में तीन मेन पार्ट्स मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किए. एक है सेल वॉल, दूसरा है जो है सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म. यूकैरियोटिक सेल को हम ऐसा भी डिफाइन करते हैं, यूकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इंटरनली प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल लेयर है. सेल वॉल हम नहीं मेंशन करते क्योंकि सेल वॉल केवल और केवल प्लांट्स के पास होता है. वेल सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली. सेल मेम्ब्रेन इट इज यूनिवर्सल लेयर. प्रोटोप्लाज्म, इसको फिर से मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. प्रोटोप्लाज्म इसमें दो पार्ट होते हैं,
एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इट इज कलेक्टिव टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को मैंने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया। साइटोप्लाज्म इट इज मेड अप ऑफ प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल जिसमें सस्पेंडेड होंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल या सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड होंगे। तो साइटोप्लाज्म के प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल को मैंने नाम दिया साइटोसॉल, और साइटोसॉल में सस्पेंडेड होंगे सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसॉल में सस्पेंडेड होंगे सेल ऑर्गेनेल। सो साइटोसॉल इट रिप्रेजेंट सेमी फ्लूइड मटेरियल, सेमी फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोसॉल। साइटोसॉल को हम हाइलोप्लाज्म भी नाम देंगे, फ्यूचर में मैं इसका डिटेल में जो है बताऊंगा भी, इसको हाइलोप्लाज्म भी नाम देते हैं। नाउ सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड इन द साइटोसॉल, सेल ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड इन द साइटोसॉल तीन टाइप के हो सकते हैं। ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, और ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेनलेस होंगे। तो यहां पर सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड लिखते, सिंगल मेम्ब्रेन होगा इनके पास। ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, और ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रोबॉडीज में हम ग्लाइऑक्सीसोम, पेरोक्सीसोम और स्फेरोसोम की बातें करेंगे। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में हमारे पास है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में हम ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट की बातें करेंगे। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट की बातें डिटेल में होंगी, और मेम्ब्रेनलेस में मैं बात करूंगा राइबोसोम की, और मैं बात करूंगा यहां पर राइबोसोम थोड़ा जो है ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको समझे। मेम्ब्रेनलेस में राइबोसोम आ गया, देन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम आ जाएगा, और साइटोस्केलेटन आ जाएंगे। साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, ठीक है, और साइटोस्केलेटन आ जाएगा। साथ में जो है फ्लैजिला और हम सीलिया की भी बातें करेंगे। फ्लैजिला और सीलिया मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। सो न्यूक्लियस के पास क्या क्या हम बात करने वाले हैं। न्यूक्लियस के पास होने चाहिए न्यूक्लियर एनवेलप और होना चाहिए न्यूक्लियोप्लाज्म और होना चाहिए न्यूक्लियोलस और होना चाहिए क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन थ्रेड। बात समझिएगा, समझा रहा हूं मैं। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल कंप्लीट होगा, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम प्रोटोप्लाज्म में आ जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म के बारे में बातें करेंगे। प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में, दैट ऑल द थिंग्स बिलो द सेल मेम्ब्रेन को हमने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म में दो मेन कंपोनेंट है, एक साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है चार हेडिंग के थ्रू हम कंप्लीट कर लेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। साइटोप्लाज्म इट इज मेड अप ऑफ प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल जिसको हमने साइटोसॉल बोला, और उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड होंगे। तो साइटोप्लाज्म इट इज मेड अप ऑफ साइटोसॉल एंड सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल दे रिप्रेजेंट द मशीनरी ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनेल दे रिप्रेजेंट मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द सेल। एक्चुअली सेल के अंदर
सेल जो कुछ भी काम कर रहा है, सेल जिन जिन फंक्शंस का क्रेडिट लेगा वो सारे फंक्शन सेल के अंदर यही सेलुलर मशीनरी, सेल ऑर्गेनेल्स, मेटाबॉलिक मशीनरी बोलते हैं, ये परफॉर्म करेंगे। नाउ सेल ऑर्गेनेल्स के नाम पर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या है बाद में हम बताएंगे इसको। माइक्रोबॉडीज तीन टाइप के, ग्लाइऑक्सीसोम, पेरोक्सीसोम, स्फेरोसोम। सो ये सारी बातें हम करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लास्टिड में तीन टाइप के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हम डिटेल स्टडी करेंगे। और मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल में, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर में राइबोसोम, देन आ जाएगा सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। साइटोस्केलेटन आ जाएगा जो कि मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट के नाम पर बातें करेंगे। और सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला यहां पर थोड़ा जो है कहीं मेंशन हो सकता है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला ये यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं। फ्लैजिला आप जो है अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, फ्लैजिला और सीलिया, ठीक है। सो राइबोसोम, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन, फ्लैजिला एंड सीलिया, इतनी बातें होनी है। सो ये एक है ओवरव्यू, आगे हम क्या क्या बातें करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में समझने के लिए, ठीक है।